नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। बदले जा रहे हैं 500 और 1000 के नोट, उमड़ी भीड़। 500 और 1000 रुपए के बंद नोटों को जमा करवाने के लिए बैंकों के आज खुलने से पहले ही लंबी लंबी कतारें लग गई। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला किया था और इन नोटों को बदलवाने के लिए कई प्रकार के कदमों की घोषणा की थी, जिससे लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार 1000 रुपए का नोट फिलहाल पूरी तरह बंद कर रही है, जबकि 500 का नया नोट प्रचलन में आएगा और 2000 रुपए का नोट भी पहली बार शुरू किया जा रहा है। सरकार ने रोजाना 4000 रुपए तक बैंकों में 500 और 1000 रुपए के नोट जमा करने की सुविधा दी है। यह सुविधा 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके लिए लोगों को अपनी पहचान के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र अथवा कोई सरकारी साक्ष्य प्रमाण के रूप में देना होगा। नकदी जमा करने या निकासी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ की आशंका के मद्देनजर बैंक इस शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे और बैंक कर्मी अगले 3 दिनों तक रात 9 बजे तक काम करेंगे। बैंकों ने बैंकिंग घंटे बढ़ाने, एटीएम शुल्क समाप्त करने और ऋण सीमा बढ़ाने सहित कई उपायों की घोषणा की, जिससे 500 और 1000 रुपए के नोटों को लौटाने वाली भीड़ से निपटा जा सके। बैंक कर्मियों को अगले 1 महीने के लिए अतिरिक्त अवकाश न लेने की सलाह भी दी गई है। इस दौरान सरकार ने 22 अरब करेंसी नोटों के धारकों को इन बैंकों में जमा करने को कहा है। सरकार ने आगाह किया है कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा करने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा के मामले में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200% जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग इन जमाओं का मिलान जमाकर्ता के आयकर रिटर्न से करेगा। खाताधारक द्वारा घोषित आय और जमाओं में किसी तरह की विसंगति को कर चोरी का मामला माना जाएगा। और आइए नजर डालते हैं अब हेडलाइंस पर। इशात हुसैन संभालेंगे टीसीएस की कमान। बिहार के शेखपुरा में बस के पलटने से 2 महिलाओं की मौत, 19 घायल। हम सभी ट्रंप की सफलता के लिए कामना करते हैं, कहा ओबामा ने। ऑस्ट्रेलिया ने पेरिस समझौते का अनुमोदन किया। अमेरिकी नौसेना के 2 टोही विमान सैन डिएगो में टकराए।